एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी में क्या होता है, जब दो कैपेसिटर्स आपने लिए सी वन वी वन सी टू वी टू, आपने उन्हें कनेक्ट किया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या अटेन कर गए, कॉमन पोटेंशियल, तो वी कॉमन आ गया। इस पूरे प्रोसेस में जब आप प्लस प्लेट को प्लस के साथ वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो स्पार्किंग होती है, चार्ज को चार्ज के साथ कनेक्ट करो स्पार्क करेगा वो, तो जब स्पार्किंग होगी तो उसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है इसमें हीट एंड लाइट की फॉर्म में, कैपेसिटर गर्म भी हो सकता है, प्लेट गर्म भी होती है और साथ ही उसमें स्पार्किंग भी हो सकती है, तो टोटल एनर्जी में लॉस दिखेगा। तो लॉस एनर्जी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले जब कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है कॉमन पोटेंशियल में तो आप इंडिविजुअल एनर्जी निकाल लें, फिर जब वो कनेक्टेड है पैरेलल में कॉमन पोटेंशियल आप एनर्जी निकाल लें, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, अगर तो आंसर जीरो आ गया फिर तो एनर्जी लॉस नहीं है, पर अगर कुछ आंसर आया इसका मतलब एनर्जी लॉस है, करके देखते हैं। तो पहले इंडिविजुअल जब वो कनेक्टेड नहीं थे आपस में, सी वन वी वन पे था, सी टू वी टू पे था, तो इनिशियल एनर्जी क्या थी सिस्टम की, सी वन हाफ सी वन वी वन स्क्वायर हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, फिर जब कनेक्ट किया तो हाफ इंटू सी पी इंटू वी स्क्वायर, सी पी क्यों, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल वी में कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, तो सी पी की जगह क्या पुट करेंगे सी वन प्लस सी टू, और कॉमन पोटेंशियल वी की जगह क्या पुट करेंगे सी वन वी वन सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो ये आपके पास इनिशियल एनर्जी आ गई, ये आपके पास फाइनल एनर्जी आ गई। लॉस इन एनर्जी क्या है, दोनों एनर्जी को माइनस करेंगे, हालांकि मैंने ई टू माइनस ई वन लिखा है लेकिन मैं कर ई वन माइनस ई टू रहा हूं, तो ई वन माइनस ई टू लॉस एनर्जी देगा आपको। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं ऐसा भी कर सकते हैं, फिर आंसर नेगेटिव में आएगा, इट मींस लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसमें मैंने इनिशियल एनर्जी ली सिस्टम की, मैंने फाइनल एनर्जी ली सिस्टम की, इसके अंदर ये डिनोमिनेटर क्या है सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर, और ये क्या है सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू और सी वन प्लस सी टू कैंसिल, तो अकेला सी वन प्लस सी टू बच गया, टू यहां से एलसीएम आ गया। अब यहां से कॉमन या एलसीएम लो टू इंटू सी वन प्लस सी टू, तो सी वन प्लस सी टू इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और ये टर्म आ गई। अब एक काम करो, ओपन करो ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, नेगेटिव साइन लगा है, सारी टर्म नेगेटिव, इसमें से टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं, सी वन वी वन स्क्वायर सी वन वी वन स्क्वायर सी टू वी टू स्क्वायर सी टू वी टू स्क्वायर कैंसिल, इस और इस टर्म में से कॉमन आएगा सी वन सी टू, और अंदर की टर्म क्या बनेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्लीज ये एक फॉर्मूला है, कई बार तो सीधा मार्क करने को आता है और कभी कभी जो है न्यूमेरिकल भी आता है लॉस ऑफ एनर्जी का, तो प्लीज ये फॉर्मूला नोट करें। इस फॉर्मूले में लॉस ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो लॉस ऑफ एनर्जी इसके इक्वल होगा। ये फॉर्मूला नोट करें फॉर्मूला बुकलेट में, लॉस ऑफ एनर्जी का ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर एक बात बताओ, लॉस ऑफ एनर्जी कब नहीं होगी, ऐसा हो सकता है लॉस ऑफ एनर्जी कब नहीं होगी, भाई जब V1 V2 के इक्वल है, जब एक कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 है दूसरे का भी V1 है, तो सोचो वो आपस में शेयर करेंगे ही नहीं चार्ज, जब शेयर ही नहीं करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी ही नहीं, तो दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, मतलब ऑलरेडी उनका पोटेंशियल इनिशियली ही सेम है, तब तो कॉमन पोटेंशियल अटेन ही नहीं करना उन्होंने, बात ही खत्म, तो आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक।